गति एवं प्रचलन। अभी गति और प्रचलन क्या होता है? क्या दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्या है अलग अलग है तो? गति और प्रचलन एक ही है या अलग अलग है? आजम, अलग अलग। जैसे मैं यहीं खड़ी हुई हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो हाथ हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है, पलके हिल रही है, आंखें हिल रही है। यानी किसी भी जीव एक ही स्थान पर खड़े रहकर उसके विभिन्न अंगों में जो मूवमेंट होता है, हलचल होती है, वो क्या कहलाती है? गति। जबकि प्रचलन में क्या होगा? मैं यहाँ से यहाँ आई हूँ, पता चल रहा है यहाँ से कुछ गिर रहा है तो मैं और हट गई, या मुझे पानी पीना है तो पानी वहाँ पड़ा है तो मैं चल कर जाऊँगी, भूख लग रही है हम किचन तक जाते हैं भोजन करने जाते हैं। तो ये क्या है? प्रचलन। प्रचलन में जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा भोजन की तलाश में, स्वयं की सुरक्षा के लिए, या प्रजनन के लिए किसी दूसरे जीव की तलाश में। ये महत्व होता है। गति और प्रचलन दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखो दो, इसके लिए हम किन किन अंगों का उपयोग करते हैं? हाथ पैर पूरी बॉडी का उपयोग हो रहा है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ या आप बैठे हो, तो आप सोचिए, हाथ पैर तो हैं, लेकिन हाथ पैर सिर हमारी पूरी बॉडी किसके ऊपर टिकी हुई है? यानी शरीर के अंदर क्या है, कोई ढांचा है? सामान्य भाषा में उसको ढांचा कहते हैं। शरीर का मुख्य आधारी भाग बनाने वाला ये होती है हमारी अस्थियाँ, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं हड्डियाँ। तो मनुष्य का गति और प्रचलन में जो मुख्य सहायक होता है वो कौन होता है? अंगतंत्र, जो विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। अब मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? 206 अस्थियाँ पाई जाती है। ये 206 अस्थियाँ ही हमें विभिन्न कार्य करने में हमारी सहायक होती है। जन्म के समय तो ये ज़्यादा होती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित उम्र प्राप्त करने के बाद उनकी संख्या क्या हो जाती है? 206। अब इसकी पोजीशन के आधार पर कंकाल तंत्र दो तरह का होता है। एक होता है क्या? बाह्य कंकाल, और दूसरा होता है आंतरिक अंत कंकाल। अब आप खुद इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाएगा, जो कड़े और मजबूत भाग, वो बाह्य कंकाल में आ जाएंगे, और शरीर का मुख्य भाग, आधारी भाग बनाने वाला, शरीर के आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाएगा, अंदर होगा, सतह पर तो नहीं, वो क्या कहलाएगा? अंतः कंकाल। अब बाह्य कंकाल में कौन कौन आएगा बताओ? बाह्य कंकाल में हमारी बात कर लो, बाल आएंगे, नाखून आएंगे, दांत आएंगे, ठीक। और आंतरिक अंगाल में शरीर की सभी अस्थियां आ जाएंगी। जानवरों पे आ जाओ, उनके सींग होंगे, हाथ पैर पे खुर होंगे, यस वो होंगे। पक्षियों में होंगे पंख, मछलियों में होंगे गिल्स, ये सब बाहर की तरफ है, शरीर को मजबूती भी दे रहे हैं और विभिन्न कार्य भी कर रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएंगे? बाह्य कंकाल में। कोई प्रॉब्लम? अब हम मनुष्य की निमेला, अब हम मनुष्य के कंकाल की बात कर रहे हैं। अब मनुष्य के कंकाल की बात कर रहे हैं,
मनुष्य का जो कंकाल है वो दो भागों में बना होता है, एक होता है अक्षी कंकाल और दूसरा होता है पांगीर कंकाल। शरीर का मुख्य अक्ष और ढांचा बनाने वाला कंकाल वो कौन होगा? अक्षी कंकाल, यानी पूरा शरीर का बेस उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। वो कौन होंगे? सबसे पहला क्या होगा इसमें, क्या बता पाएंगे आप लोग? स्कल, खोपड़ी है हमारा यहाँ पे। अगला होगा स्पाइनल कार्ड, यह क्या हो जाएगा? मेरु रज्जु, ये पीछे का भाग साधने का काम कर रहा है। फिर क्या होगा? ये हो गई हमारी खोपड़ी, ये खोपड़ी, यहाँ से क्या निकला? स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड, ठीक। ये पीछे की तरफ है, इसी तरफ आगे की तरफ बात कर रही है हमने। क्या नाम बताया था इसका? ये होगा स्टल, नाम पक्षी भाग में या आगे की तरफ पाया जाएगा। और फिर इसी से क्या निकलती है? पसली, ये छह पसलियाँ, खोपड़ी हो गई, पीछे की तरफ स्पाइनल कार्ड हो गया, आगे की तरफ स्टर्नम हो गया, और स्टर्नम से निकलने वाली कौन हो गई? पसलियाँ। आगे की तरफ 12 होती है और पीछे की तरफ भी 12 होती है रिब्स, ठीक। 12 जो भी होती है या कुल 24 होती है। अब ये पसलियाँ हमने श्वसन वाले में देखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई नहीं है यहाँ पे। आगे की तरफ ये स्टर्नम से जुड़ी रहती है और पीछे की तरफ ये मेरु रज्जु से जुड़ी रहती है। जब तुमको ढूंढ रही है वो, कोई प्रॉब्लम? तो ये मनुष्य का मुख्य अक्ष बन रहा है, इसलिए ये क्या कहलाया? अक्षी का। ठीक, अब इन मुख्य अक्ष से निकल कर भी सिमरन को जाना है, ठीक है। मुख्य अक्ष से निकल कर हाथ पैर निकल रहे हैं हमारे, ठीक, वो होते हैं उपांगी कंकाल। दूसरा भाग कौन होगा हमारा? उपांगी कंकाल, ठीक। अब उपांगी कंकाल में भी आप देखो दो होते हैं, एक होती है मेघला, ठीक, और दूसरी होती है इसमें लिंब बोन या शुद्ध हिंदी में कहते हैं पादअस्थियां। अब ये क्या होती है? हमारे तो चलो अभी हाथ और पैर है, लेकिन जो चौपाए होते हैं उनमें आगे के दो पैर और पीछे के दो, तो आगे के कहलाते हैं अग्रपाद और पीछे के कहलाते हैं पश्चपाद। हम हमारे मनुष्य में हमने उनको बोल दिया हाथ और पैर, लेकिन है तो चारों एक ही है, इसलिए इनको कहा गया लिंब बोन, ठीक है। अब देखो हमारे जो हाथ है आप कहाँ से निकले हुए हैं? किस तरीके का है? ये यहाँ पालक की, ठीक, इसमें ऐसी गैप है और इस गैप के अंदर ही कौन है? हाथ, हाथ लगे हुए हैं हमारे, ठीक। अब देखो मैं तो खैर ज्यादा परफेक्टली बना नहीं पाऊंगी, आप लोगों को अच्छी, यही है हाथ हमारा, ये कैसे
में दो तरह की मेखलाएं होती हैं, जैसे हाथ है हमारे यहाँ पे, इसी तरह क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जहाँ बैठते हैं हम पेल्विक गर्ड हिंदी में कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है यहाँ का, ये दो तरह की मेखलाएं होती है। एक होती है अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल, ठीक, और दूसरी होती है श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल। जैसे हाथ उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो, तो बैठने के लिए जो मुख्य बेस कौन बना रहा है, जैसे आपने, हम लोकल भाषा पे आते हैं, हमारी सामान्य दैनिक जीवन पे, कई बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको अपन झटका देके नहीं बिठाते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, इसकी नहीं नहीं इसकी हड्डी टूट जाएगी, हाँ ऐसे ही कुछ बोलते हैं क्यों। फिर यदि उस बच्चे को साथ यदि कुछ दिक्कत हो गई तो वो बैठना बहुत धीमी गति से सीखता है या बैठ नहीं पाता है, ऐसा हमने होते हुए देखा है। तो हमारा जो बैठने वाला भाग है कौन सा, श्रोणि मेखला, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या वो टूट जाती है, फिर वो जुड़ेगी, समय लगेगा, तब तक वो बच्चा बैठना नहीं सीख पाता है, ठीक। यानी अंश मेखला से हमारे दोनों हाथ निकलते हैं और श्रोणि मेखला से हमारे दोनों पैर निकलते हैं, पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। अब ये पेल्विक गर्डिल पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मजबूत होती है, क्यों बताइए, पेल्विक गर्डिल फीमेल की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों, इसलिए कि महिलाएं 9 महीने तक क्या करती हैं, शिशु को कैरी करती है, इसलिए वो प्राकृतिक रूप से ही क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक है। अब हाथ में पाई जाने वाली हड्डियों के नाम आपको याद है, पहले तो ये बताओ क्या है हमारा ये वाला हिस्सा, अरे हड्डी नहीं, पहले हाँ पूछ रही हूँ, बाह कहते हैं हम, ऊपरी बाहू, पूर्व बाहू, ये कोहनी, ये कलाई, ये हथेली, ये उंगलियां। अब आप देखो इनमें पाई जाने वाली हड्डियों के नाम कौन से हैं, देखो यहाँ पर जो पाई जाएगी ये क्या रहेगी, ह्यूमरस, क्या रहेगी, ह्यूमरस। अब हमारा जो ये हाथ है यहाँ पर कितनी हड्डियां हैं, दो, यहाँ पर दो हड्डियां पाई जाती है, ठीक। एक क्या होगी, नाम बताओ, एक होगी रेडियस और एक होगी अल्ना, ये दोनों अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, इसी के कारण हम किसी भी चीज को उठा सकते हैं, उठा पाते हैं। अजम भैया इरा खोल, दो बच्चों दे दो मैडम, फिर देखो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा अजम, रहने दे अजम, रहने दे, रहने दे, ये है हमारी कलाई पर, ठीक, कलाई की जस्ती है क्या रहेगी, कार्पल, कार्पल, कार्पल। फिर आप महसूस करो आपके यहाँ भी है हथेली में हड्डियाँ, ठीक, जो हथेली मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल, और हमारी उंगलियों में भी आप देखो छोटी छोटी हड्डियाँ है, भले वो पतली पतली है बट है, ये जो हड्डियाँ है उंगलियों की ये कहलाती है फेलेंजेस। अब देखो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हमारी जो कॉलर बोन है यहाँ कंधे के यहाँ इसमें गैप है, गैप मीन्स जो गड्ढा है, इसका क्या नाम होता है, गुहा का नाम,
गुहा का नाम होता है ग्लेनायड गुहा। इस ग्लेनायड गुहा में ही ये एक इस तरीके का है और ये गोलाकार उभार उत्पन्न हो रहा है ट्यूमरस के अंदर। अक्ष मेखला में ग्लेनायड गुहा पाई जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए हमारी ये क्या है, पेल्विक गर्डल है ठीक, और यहीं से हमारे क्या उत्पन्न हो रहे हैं, हाथ पैर उत्पन्न हो रहे हैं। अच्छा ठीक। अब ये श्रोणी मेखला है, श्रोणी मेखला के अंदर जो गुहा होगी वो गुहा होगी एसी टैबुलम। क्या होगी? एसी टैबुलम, यानी ह्यूमरस कहा जाएगा ग्लेनायड गुहा में, और उसमें मूवमेंट होगा। इसी के कारण हम हाथ घुमा भी सकते हैं, हर डायरेक्शन में ये कर सकते हैं, फ्रीली वो मूवमेंट करता है। क्लियर है? अब आगे देखो ये नाम याद हो गए, ह्यूमरस रेडियस पैरेंटल। इसी तरीके से ये हमारा पैर भी है। अब मैं परफेक्टली तो नहीं बना पाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ, जो भी है ये यहाँ पर ये पैर है हमारा, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा। कुछ कुछ चीजें तो कभी बन ही नहीं पाई। अब देखो ये हमारा जांग वाला हिस्सा है, ये हमारा घुटना, ये हमारा घुटने के नीचे वाला पिंडली वाला भाग, ये हमारा जहाँ हम पायल पहनते हैं, टखना, टखना ही बोलते हैं कि एड़ी, एड़ी तो नीचे आ जाती है नीचे, और फिर ये हम जहाँ पर मेहंदी लगाते हैं तलवा, और ये हमारा उंगलियां हैं, यही मानना पड़ेगा। अब देखो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है, हमारे जांग में पाई जाने वाली फीमर, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी और सबसे छोटी होती है हमारे कान में, इसका नाम है स्टेप्स ठीक। फिर हमारे घुटने की पटेला ठीक, ढकनी जिसको बोलते हैं, महसूस भी करते हो ठीक, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद ये बताती हूँ एक विशेष चीज, ये पटेला मेरे दोनों ही टूटी हुई है, टूटी हुई है एक्सीडेंट से, और दोनों के ही ऑपरेशन हो चुके हैं ठीक। चलो आगे, हाँ नहीं है मेरे। फिर आगे आते हैं ये हमारे पिंडलियों में, ये वाली यहाँ पर भी दो अस्थियाँ हैं, हम चल रहे हैं जैसे हमारे हाथ में यहाँ दो अस्थियाँ हैं, ऐसी पैर में भी होती है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, इसीलिए हम क्या करते हैं चल पाते हैं। कईयों को आपने देखा होगा फ्रैक्चर के बाद या एक्सीडेंट के बाद वो खाली ऐसे ऐसे चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो हड्डियाँ स्लिप ही नहीं हो रही है उनके, इसलिए वो इस तरीके से चलते हैं। और हम फ्रीली क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों हड्डियाँ एक दूसरे पर स्लाइड हो रही है, फिसल रही है, जॉइंट में देखेंगे हम स्लाइडिंग जॉइंट, फिसलन संधि पाई जाती है ठीक। अब इनके नाम होगा, बड़ी अस्थि होगी टिबिया और छोटी अस्थि क्या होगी, फिबुला ठीक। फिर ये वाला ये कहलाएगा टार्सल्स, ये वाली अस्थि कहलाएगी मेटाटार्सल्स, और ये वाली कोई जो वहाँ नाम फेलेंज अंगुलास्थि का या फेलेंज फेलेंजेस ठीक। इस तरीके से हमने क्या बात कर दिया, अक्षी कंकाल, उपांगी कंकाल, अक्षी कंकाल,
खोपड़ी मेघरज्जु स्टर्नम फसलियों से मिलकर बना के, उपांगी कंकाल दो मेखलाएं होती है, अंश मेखला श्रोणी मेखला, और उनसे हाथ और पैर हाइंड लिंब एंड फोर लिंब निकले रहते हैं, और उनकी ये सभी अस्थियों के नाम हमने देखे हैं, फिर हम स्केलेटन में भी देखेंगे। ठीक है, ये लग रहा है हमारे पीछे। ठीक है भैया।